नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, न्यू स्टार क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पर्सनावली 8.2 की बात कर रहे थे, उसमें पिछले वीडियो में जो सवाल नंबर एक में मैंने 3 क्वेश्चन करवाए थे, आज क्वेश्चन हम 4 से स्टार्ट कर रहे हैं इसी का पार्ट में। तो देखो, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें भी साइन 30 से टेन 45 माइनस कोसेक 60 और सेक 30 को 60 प्लस में कोट 45, ये मान दिए गए हैं। ये मान हम किससे प्राप्त करेंगे? ये मान करेंगे हम त्रिकोणमिति सारणी से। तो देखो, ये मैंने सारणी इस साइड मैंने बनाई है, तो यहाँ साइन 30 का मान कितना है? साइन 30 का मान है 1/2 और टेन 45 का मान क्या होता है? 1 और माइनस कोसेक 60 का मान, कोसेक किसका होता है? अपोजिट साइन का। तो ये हो गया आपका 2/√3। क्लियर? अब बटे में यहाँ देखो, सेक 30 का मान, सेक 30 का मान आएगा 2/√3 और प्लस में कोस 60 का मान 1/2 और प्लस में कोट 45 का मान है 1। ठीक है, इस प्रकार से हम सारणी का उपयोग करके ये मान हमने क्या किया, यहाँ पर पुट किया है। आप करेंगे इसका सरलीकरण, यहाँ देखिए 1/2 प्लस में 1, ये तो देखो यहाँ पर कोई इसमें रूट नहीं है, तो पहले हम इसको जोड़ेंगे और यहाँ देखो 1/2 प्लस में 1, फिर इसको जोड़ेंगे और जो रूट है उसको हम बाद में करेंगे सिंप्लीफाई के रूप में। तो यहाँ देखो 1/2 प्लस में 1, ये हो गया 3/2 और माइनस 2/√3। ये 3/2 कैसे हो गया? यहाँ 1/2 करके फिर लेंगे इसका लघुतम 2, ये आ गया 2/√3 प्लस में 3/2। क्लियर? जब ऊपर बात करते हैं हम हर में, यहाँ 3/2 है माइनस 2/√3 है, तो इसका एलसीएम यानी लघुतम आ गया 2√3। तो इसका 2 है, 2 का भाग दिया हमने 2√3 में, कितनी बार गया? √3 बार। √3 को गुणा किससे किया हमने? 3 से, तो ये हो गया 3√3 माइनस, फिर √3 का डिवाइड किस में किया? 2√3 में, तो ये तो क्या हो गया? कैंसिल, 2 बार गया, 2 को हम किया 2 से, तो ये हो गया 4। फिर बटे में इसका आ गया लघुतम वही 2√3, √3 का डिवाइड किया इसमें 2√3 में, तो ये क्या हो गया? कैंसिल, 2 बार गया, 2 को हम किससे मल्टीपल किया? 2 से। ये प्लस है तो यहाँ प्लस है, और ये 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल, और ये हो गया 3√3। ये ऊपर देखो ये भिन्न है और नीचे भी क्या है? भिन्न है। जब इसको हम गुणा में चेंज करेंगे तो ये संख्या जाएगी ऊपर, ये रहेगी नीचे, तो ये क्या हो गया? कैंसिल। यहाँ क्या बच गया? यहाँ रह गया 3√3 प्लस माइनस के 4/3, 3√3 और प्लस के 4। देखो यहाँ पर √3 था, यहाँ पर √3 का इसमें जब डिवाइड किया था तो √3 से √3 क्या हो गया था? कैंसिल, और ये डिवाइड गया था 2 बार, और 2 को हम किससे गुणा करेंगे? 2 से, तो यहाँ आएगा 4, ये हो गया 4। 4 प्लस में 3√3 है, तो इसको हम 3√3 प्लस में 4 भी बोल सकते हैं। इस प्रकार से देखो, इसमें नीचे है, नीचे आ गया रूट, तो जब नीचे रूट आता है, नीचे का मतलब हर में जब रूट आता है तो हम उसको हम क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। और वो कैसे करेंगे? वो करेंगे परमीकरण के द्वारा। तो हम क्या करेंगे? 3√3 माइनस 4, इसका निशान लेंगे अपोजिट से, अंश व हर को गुणा करने पर हम क्या करेंगे? जो संख्या दी गई है अंश बटे में हर के रूप में, उसको हम क्या करेंगे? 3√3 माइनस 4 से गुणा करना है, तो 3√3 माइनस का 4/3 3√3 प्लस में 4, और हम गुणा कर रहे हैं किससे? 3√3 माइनस का 4/3 3√3 माइनस का 4। क्लियर? यहाँ देखो, यहाँ पर दोनों की पावर कितनी है? यहाँ पावर एक और यहाँ पावर एक, यानी ये संख्या 2 बार आ रही गुणा में, तो यहाँ तो क्या हो गया? 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर 2/4। यहाँ देखो, एक बार प्लस का है, एक बार माइनस का, यानी a प्लस b, a माइनस b, ये क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यह है फॉर्मूला आपका a प्लस में b और a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ तो क्या हो गया? ये तो हो गया आपका a, यानी 3√3 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर। क्लियर? अब क्या करेंगे? यहाँ पर है a,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा फॉर्मूले से सूत्र, तो यहाँ थ्री रूट थ्री माइनस फोर है, इसका हम करेंगे स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, ये भी सूत्र है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, इसके अकॉर्डिंग इसको भी हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई सरलीकरण, तो ये हो गया थ्री रूट थ्री का स्क्वायर और प्लस में फोर का स्क्वायर और ये हो गया माइनस का टू सूत्र का, ए का मान है थ्री रूट थ्री और इंटू में फोर बटे में, ये देखो यहाँ पर ये है ए, यानी ए का मतलब है थ्री रूट थ्री का स्क्वायर है, तो तीन का ये स्क्वायर थ्री पे भी होगा और रूट थ्री पर भी होगा, तो थ्री का तो हो गया नौ और रूट थ्री का हो गया तीन और माइनस चार का स्क्वायर हो गया सोलह इज इक्वल, यहाँ पर भी देखो थ्री रूट थ्री की पावर टू है तो ये पावर थ्री पर भी होगी और रूट थ्री पर भी होगी, तो थ्री की पावर टू क्या हो गया, ये तो हो गया नाइन इंटू में रूट थ्री की पावर टू क्या हो गया थ्री और प्लस में ये हो गया सोलह और माइनस के ये देखो यहाँ पर टू इंटू में थ्री इंटू में फोर, इस पर रूट नहीं है तो पहले हम इसको करेंगे गुणा टू इंटू थ्री इंटू में फोर, तो टू इंटू थ्री कितना होगा सिक्स, सिक्स इंटू फोर कितना हो गया, ये हो गया चौबीस और ये आ गया रूट थ्री गुणा के रूप में और ये आ गया आपका सत्ताईस माइनस के सोलह इज इक्वल, यहाँ देखिए ये हो गया सत्ताईस प्लस में सोलह माइनस का चौबीस रूट थ्री और ये सत्ताईस माइनस सोलह ये आ गए ग्यारह, फिर देखो सत्ताईस प्लस में सोलह ये दोनों क्या होंगे भाई ऐड होंगे जुड़ेंगे तो ये हो गया आपके पास में तैतालीस माइनस का चौबीस रूट तीन बटे में ग्यारह, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का हल ये आ गया और ये ही आपका है आंसर। ये देखो क्वेश्चन नंबर फाइव में भी इसी प्रकार से दिया गया है, यहाँ पर क्या करेंगे ये देखो इसमें फाइव है तो ये भी फाइव इंटू में कोस साठ का मान, कोस साठ का मान देखो इसमें टेबल से देखो आप कोस साठ का मान कितना है ग्यारह कोस साठ, ये आ गया एक बटे में दो और यहाँ पर क्या भाई स्क्वायर तो ये हो गया स्क्वायर प्लस में फोर इंटू में सेक स्क्वायर तीस है तो सेक तीस का मान क्या हो गया दो बटे में अंडर रूट तीन और इसकी पावर क्या करेंगे हम टू माइनस टेन पैंतालीस का मान ये हो गया एक और ये पावर हो गई दो बटे में साइन तीस है तो ये साइन तीस का मान क्या हो गया एक बटे में दो और पावर हो गई दो प्लस में कोस स्क्वायर तीस है तो कोस तीस का मान कितना हो गया कोस तीस का मान हो गया रूट तीन बटे में दो, ये हमने मान ज्ञात कर लिया टेबल की सहायता से क्लियर। ये देखो ये फाइव इंटू में एक पे पावर टू है तो वो क्या रहेगा एक रहेगा और टू की पावर टू है ये हो गया फोर प्लस में फोर इंटू में फिर यहाँ टू की पावर टू है तो ये हो गया फोर और रूट थ्री की पावर टू क्या है ये हो जाएगा थ्री और ये हो गया माइनस वन की पावर वन रहेगा वन, यहाँ पर वन की पावर टू क्या हो गया वन और टू की पावर टू हो गया फोर और प्लस में रूट थ्री की पावर टू है तो ये हो गया थ्री और बटे में फोर क्लियर। अब देखो इसमें ऊपर ये हो गया पाँच बटे में चार प्लस में सोलह बटे में तीन माइनस का एक और ये हो गया एक बटे में चार प्लस में तीन बटे में चार, इसका हम क्या लेंगे लघुतम जो ऊपर जो अंश में संख्या दी गई है तो यहाँ बटे में देखो ये दोनों संख्या भिन्न में है या नहीं है भिन्न तो यहाँ करेंगे बटे में एक, ऊपर इसमें जब लेंगे इसका लघुतम है तो यहाँ लघुतम आ गया इसमें बारह और चार का भाग दिया हम किसमें बारह में तो ये कितनी बार गया तीन बार, तीन करेंगे हम पाँच से ये हो गए पंद्रह प्लस में फिर तीन का भाग दिया हमने बारह में कितनी बार गया चार बार, चार इंटू में सोलह ये हो गए चौंसठ और माइनस का फिर एक का भाग दिया हमने बारह में तो ये गया बारह बार, बारह करेंगे एक से तो ये हो गया बारह बटे में नीचे आ गया लघुतम चार तो ये हो गया चार का भाग दिया चार में एक बार तो ये हो गया एक और प्लस में तीन क्लियर। अब क्या करेंगे देखो पंद्रह और प्लस में चौंसठ है इसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे तो ये तो हो गया ऐड ये हो गया सेवेंटी नाइन माइनस के बारह बटे में फिर बारह और ये हो गए चार बटे में चार तो ये देखो ये तो क्या हो गया भाई कैंसिल चार बटे में चार, ऊपर क्या रह गया सेवेंटी नाइन माइनस बारह बटे में बारह, इसमें क्या करेंगे हम लेस करेंगे तो ये क्या हो गया सिक्सटी सेवन बटे में बारह और ये आ गया आपके आंसर। इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर एक था उसके हमने पांचों क्वेश्चन कर दिए हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर दो में
क्वेश्चन नंबर दो में आपके पास में इसमें क्वेश्चन दिया गया है विकल्प का, अब कौन सा आंसर इसमें सही होगा, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। इस प्रकार के इसमें तीन चार क्वेश्चन है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो देखो, इसमें 2 tan 30 degree बटे में 1 plus में 10 square 30, इसका मान ज्ञात करेंगे। इसका मान ज्ञात करके फिर इसमें दिया गया ऑप्शन में ए में है साइन 60, बी में है कोस 60 और सी में है टेन 60 और डी में है साइन 30 degree, कौन सा इसमें सही है। तो पहले इसमें मान ज्ञात करेंगे, 2 into में 10 30 का मान क्या होगा, 10 30 का मान होगा 1/√3 बटे में, यहाँ 1 है प्लस में फिर 10 30 का मान 1/√3 और यहाँ पावर लगाएंगे 2 क्योंकि यहाँ पर पावर है 2, ये हो गया ऊपर 2/√3 बटे में, यहाँ हो गया 1 प्लस में 1/3 क्योंकि 1 की पावर 2 क्या हो गया 1 और रूट 3 की पावर 2 क्या हो गया 3 और यहाँ बटे में क्या कर देंगे हम 1, तो ऊपर हो गया 2/√3 और ये हो गया 3 आ गया इसमें लघुतम, तो ये आ गया 3 और प्लस में 1, तो इसका मान ये आ गया इज इक्वल 2/√3 और ये 3 जाएगा ऊपर 3/4। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 है यहाँ पर 4 है, ये 2 से क्या हो गया कैंसिल, तो ये हो गया 3/√3। जब नीचे बटे में कोई रूट के रूप में संख्या आती है तो उस रूट को हमें क्या करना पड़ता है, समाप्त, तो यहाँ √3 आ गया, तो हम क्या करेंगे √3 से अंश व हर को क्या करेंगे गुणा, तो ये हो गया 3√3 बटे में, ये हो गया 2 into में √3 क्या हो गया 3, तो ये 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, इसका मान कितना आ गया √3/2, किसका मान आ गया √3/2, 2 tan 30 degree बटे में 1 plus में 10 square 30 degree। अब चलते हैं हम ऑप्शन में, यहाँ देखो √3/2 यहाँ पर मान नहीं है, यहाँ दिया गया एंगल के रूप में, यहाँ देखो साइन 60 का मान कितना होता है, ये हो गया √3/2, साइन कोस 60 है, कोस 60 का मान हो गया 1/2, टेन 60 का मान हो गया √3 और साइन 30 का मान हो गया 1/2। जो √3/2 मान आया है ये मान किसका है, ये मान है साइन 60 का मान, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया ए, तो इसका ऑप्शन आ गया आपका ए, ए आपका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का देखो, इसका सेकंड पार्ट है वो क्या है, 1 minus 10 square 45 upon 1 plus में 10 square 45, तो इसमें क्या करेंगे मान रखो, इसमें सारणी से 1 का 1 हो गया और माइनस 10 45 यानी 10 45 का मान क्या होता है 1 और 1 का करेंगे यहाँ पर स्क्वायर बटे में 1 प्लस में 1 का स्क्वायर, ऊपर हो गया 1 माइनस का 1 बटे में 1 प्लस में 1, तो 1 में से 1 गया क्या हो गया 0/2, 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे वो क्या आएगा 0, तो इसका ऑप्शन क्या आ गया भाई, इसमें आ गया 0, अब 0 किस में है, 0 इसमें डी में, तो इसका आंसर क्या आ गया डी ऑप्शन ही आपका आंसर रहेगा। देखो इसमें जो थर्ड पोर्शन इसका साइन 2a बराबर 2 sin a है, तो इसमें जबकि a बराबर है तो a का ऐसा मान इसमें आपको देखना है अगर ये दोनों पक्ष क्या हो भाई बराबर हो, यानी जो a का ऐसा मान लो अगर ये भी इक्वल हो और ये भी क्या हो इक्वल, तो इसमें क्या करेंगे पहले हम a का मान यहाँ रखते हैं 0, a बराबर क्या लिया हमने 0 degree, तो यहाँ पर क्या हो गया साइन 2 into में 0 इज इक्वल टू 2 sin 0, तो साइन ये हो गया साइन 0 बराबर 2 sin 0, साइन 0 का मान क्या होता है 0 और ये भी क्या हो गया साइन 0 का मान 0 और 0 इंटू 2 क्या हो गया भाई या 2 into में 0, तो 0 बराबर 0, दोनों पक्ष क्या हो गए बराबर, तो इसका आंसर क्या आ गया भाई, इसका आंसर आ गया ए, यानी इसका ऑप्शन ए ही सही है, ए में क्या दिया गया है 0 degree। यदि हम बी, बी में क्या दिया गया 30 degree, यदि यहाँ पर हम 30 foot करते हैं तो देखो इसका ऑप्शन ये सही नहीं रहेगा, क्यों क्यों सही नहीं रहेगा, देखो साइन ए बराबर लिया मैंने 30 degree, तो ये हो गया 2 into में 30 degree बराबर 2 sin, ये हो गया 30 degree, तो ये हो गया साइन 2 into में 30 कितना हो गया, ये हो गया 60 यानी 60 और ये हो गया 2 sin
30 डिग्री। साइन 60 का मान क्या होता है, रूट 3 बटे में 2 इज इक्वल ये होगा 2 इंटू में, फिर साइन 30 का मान कितना हो गया 1 बटे में 2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो ये आ गया रूट 3 बटे में 2 बराबर 1। क्या दोनों पक्ष बराबर हैं, क्या ये दोनों पक्ष बराबर नहीं है। इसी प्रकार से हम 45 पर भी चेक कर सकते हैं और 60 पर भी, केवल और केवल जब a का मान हम 0 डिग्री लेंगे तो ही ये दोनों पक्ष बराबर होंगे वरना नहीं होंगे। तो इसका ऑप्शन आ गया आपका ए। क्लियर, क्वेश्चन नंबर देखो इसका 4 दे, यहाँ पर है 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो हम क्या करेंगे इसका मान ज्ञात करेंगे 2 इंटू में tan 30 का मान क्या होता है 1 बटे में अंडर रूट 3 बटे में 1 माइनस फिर tan 30 का मान 1 बटे में अंडर रूट 3 और ये पावर हो गई 2, तो यहाँ पर हो गया 2 बटे में अंडर रूट 3 बटे में 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, यहाँ बटे में क्या करेंगे हम 1, तो ये हो गया 2 बटे में अंडर रूट 3 बटे में यहाँ एलसीएम आ गया 3 लघुतम, ये हो गया 3 माइनस का 1, तो ये आ गया 2 बटे में अंडर रूट 3 फिर बटे में 3 में से 1 गया तो 2 बटे में 3, और ये क्या हो जाएगा ये हो गया 2 बटे में अंडर रूट 3 इंटू में, तो ये 3 कहाँ जाएगा ऊपर और बटे में 2 नीचे, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो ये हो गया 3 बटे में अंडर रूट 3। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम ये करेंगे जब 3 बटे में रूट 3 आ गया तो हम इसको रूट 3 से क्या करेंगे गुणा करेंगे अंश और हर को, तो ये क्या हो गया 3 रूट 3 बटे में रूट 3 इंटू में रूट 3 क्या हो गया 3, और ये 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, और ये आ गया रूट 3। अब इसमें ये देखो रूट 3 जो वैल्यू है जो मान है वो ऑप्शन किस में है, तो यहां देखो यहां आपको दिया गया है एंगल के रूप में, तो पहले हम इसका मान ज्ञात करते हैं, ये cos 60 है, cos 60 का मान क्या हो गया 1 बटे में 2, साइन 60 का मान रूट 3 बटे में 2, टेन 60 का मान रूट 3 और साइन 30 का मान 1 बटे में 2। अब इसमें ये देखो रूट 3 मान किसका है, रूट 3 मान है टेन 60 का, तो इसका ऑप्शन आ गया टेन 60, यानी ऑप्शन आ गया आपका सी। क्वेश्चन नंबर इसमें 3 देखिए, 3 में क्या दिया गया है tan a प्लस बी बराबर रूट 3 है और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 है, तो इसकी सहायता से हमें a व b का मान ज्ञात करना है, और a और b क्या है ये भी क्या है एंगल है, और इसमें कंडीशन ये दे रहा है अगर a प्लस बी का मान आप क्या लोगे 90 से क्या लोगे लेस देन यानी कम और बराबर, और 0 से क्या लोगे आप ज्यादा बड़ा मान लोगे, और a का मान लेना है a ग्रेटर b, a का मान लेना है b से बड़ा, तो इसमें आप ये देखो रूट 3 और 1 अपॉन रूट 3, तो ये दोनों मान किस में आते हैं, ये दोनों मान आते हैं उसमें tan में और cot में, तो यहां देखो tan a प्लस में b इज इक्वल टू रूट 3। अब मैं इसमें रिवर्स बोल रहा हूं आपको, अगर tan थीटा में tan थीटा में रूट 3 मान किसका होता है, तो यहां ये देखो बच्चों जो tan थीटा है इसके सामने ये रूट 3 ये रहा और ये रूट 3 किसका मान होता है 60 का, तो यहां पर क्या करेंगे हम tan a प्लस में b बराबर ये हो गया tan 60 डिग्री। क्लियर, जब tan a प्लस b बराबर tan 60 है, यहां भी tan है यहां भी tan है, ये tan क्या हो गया कैंसिल, तो ये आ गया a प्लस b इज इक्वल टू 60, ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से यहां पर दिया गया है tan a माइनस b इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, तो यहां हो गया tan a माइनस b इज इक्वल 1 बटे में रूट 3, ये मान tan में किसका होता है, ये मान tan में होता है किसका 30 डिग्री का, तो यहां पर हो गया tan 30 डिग्री, यानी tan 30 का मान कितना आएगा 1 बटे में रूट 3, तो यहां भी tan से tan क्या हो गया कैंसिल, तो ये आ गया a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये आ गया समीकरण नंबर 2, यानी इसको हम पास में लिखेंगे a माइनस b इज इक्वल टू 30, ये आ गया समीकरण 2। समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करके हम a व b का मान ज्ञात करेंगे, यहां देखो यहां a और a समान है और b और b भी समान है, यहां प्लस है यहां माइनस है, तो यहां लिखेंगे जोड़ने पर b से b तो क्या हो गया कैंसिल, एरिया कितना हो गया 2a और ये हो गया आपका 60 प्लस में 30 ये हो गया 90, तो a बराबर हो गया 90 बटे में 2 और ये हो गया 45, a का मान कितना आ गया a बराबर 45 डिग्री। जब a का मान आ गया तो हम b का मान भी समीकरण 1 से भी ज्ञात कर सकते हैं, समीकरण 2 से भी, समीकरण 1 से a प्लस में
बी बराबर कितना है 60, तो ए का मान कितना आ गया 45 प्लस में बी बराबर 60, तो बी बराबर कितना आ गया 60 माइनस का 45, तो ये आ गया आपका 15, तो बी का मान आ गया 15 डिग्री। इस प्रकार से हमने कोण ए व कोण बी इससे दिए गए समीकरण की सहायता से ज्ञात कर लिए हैं।